अभी हम बात करने वाले हैं एप्पल आईफोन 16 प्रो के बारे में, जिसकी कीमत करीब 1,38,000 रुपये होने वाली है। तो देख लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये होगा डुअल सिम के साथ 3G 4G 5G वोल्टी वाईफाई NFC, और इसमें 8 GB का रैम होगा और 128 GB इंटरनल होगा। हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ काम करेगा और 18 प्रो के चिपसेट के साथ। और इसमें जो बैटरी होने वाली है 3577 mAh की होने वाली है, जो कि चार्जिंग सपोर्ट करेगी 40 वाट का। इसमें कैमरे सेटअप की बात कर लें तो बैक साइड जो रियर कैमरा है ट्रिपल कैमरा होने वाले हैं, जो 48-47 MP के दो कैमरे होंगे, और तीसरा जो होगा 12 MP का होगा, और जो फ्रंट का भी होगा वो भी 12 MP का होगा। मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा। जैसा कि डिटेल से इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी जो थिकनेस होने वाली है 8.25 mm की होने वाली है, और फ़ोन होने वाला है 194 ग्राम का। इसका डिस्प्ले होने वाला है 6.3 इंच का, और सुपर रेटिना XDR OLED स्क्रीन होने वाली है। रिफ्रेश रेट मिलेगा इसमें 128Hz का, और इसमें बहुत सारे आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। और कैमरा सेटअप की आप बता ही दिया कि OIS कैमरा मिलेगा, जिसके आप 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS के साथ, और फ्रंट कैमरा होगा 12 MP का। फ्रेंड्स, इसमें ब्लूटूथ 5.4 का मिलने वाला है, वाईफाई NFC मिलने वाला है, USB-C वर्जन 4.0 मिलने वाला है, और बैटरी मिलने वाली है इसमें 3577 mAh की, जो कि चार्ज करेगी 40 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, और इसमें 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। और इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा FM और 3.5 mm का जैक। और डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। एक आपको नैनो सिम मिलेगी और एक ई सिम मिलेगी। ये 4 कलर भी आने वाले हैं, और इसमें देख सकेंगे आप कि इसका साइज होने वाला है 6.3 इंच होने वाला है, और आप देखेंगे इसमें कि आपको 8 GB की रैम देखने को मिलेगी और 128 GB की इंटरनल, और उसके अलग अलग वेरियंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे आपको लगभग सारे 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें वाईफाई 7 देखने को मिलेगा, और ब्लूटूथ का 5.4 देखने को मिलेगा, USB का 4.0 देखने को मिलेगा। इसमें IP68 की रेटिंग मिलेगी, और वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा 6 मिनट तक। आप अगर 6 मिनट तक आप अगर 30 मिनट तक फोन डुबा देता कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें जो 48 MP का एक मेन कैमरा होने वाला है, एक 48 का अल्ट्रा वाइड होने वाला है, और जो 12 MP का टेलीपोर्टिक होने वाला है, जो कि आप देख सकेंगे। इसमें जो सेंसर यूज़ किया गया है IMX803 यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या कैमरे के फीचर देखने को मिलेंगे आपको, इसमें आप फ्रंट से भी 4K का वीडियो रिकॉर्ड सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर करके कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।